कोरोना महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने उठाया सख्त कदम। जिले में धारा 144 के अंतर्गत नियमों में की गई सख्ती। सामाजिक एवं धार्मिक आयोजन पर लगाए प्रतिबंध। शादी समारोह व गमी में भी संख्या में की गई कमी। कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम के बिना अनुमति नहीं किए जा सकेंगे। कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने इस संबंध में जारी किए आदेश। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान, FM की रिपोर्ट। कोविड 19 के संबंध में जो मध्य प्रदेश शासन ने नए निर्देश जारी किए हैं और जो हमने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक ली थी, उसके तारतम्य में धारा 144 के तहत नए निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत जो मृत्यु पे जो यात्रा रहती है उसमें अधिक से अधिक 25 लोग और शादियों में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा बाकी जो कार्यक्रम हैं उसमें बिना किसी अनुमति के कोई मेला या कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। सभी प्रकार के मेले और इनके आयोजन पर रोक लगा दी गई है। और जन सुनवाई में लोग काफ़ी बाहर से आते हैं और संक्रमण की संभावना रहती है। इसको देखते हुए जन सुनवाई भी हमने आगामी आदेश तक के लिए निरस्त किया है। सभी से ये अपील भी है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाने का पालन करना। इसके अलावा सबसे ज़रूरी ये है कि लोग अनावश्यक यहाँ से बड़े शहरों को ना जाएं। गुजरात महाराष्ट्र तरफ से जो लोग अपने ज़िले में आ रहे हैं उन पर भी नज़र रखें और ख़ुद यहाँ से इंदौर या बड़े कस्बों में व्यापार के लिए भी ना जाएं जब तक बहुत आवश्यक ना हो। और अगर इस प्रकार से बड़े कस्बों में लोग इनका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग कोविड को नियंत्रित रखने में सफल हो पाएंगे। और जैसा मध्य प्रदेश शासन की और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हमारी व्यापारिक गतिविधियां चलती रहें, लॉकडाउन न लगाना पड़े, इसको देखते हुए सभी को इन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपने ज़िले में व्यापारिक गतिविधियां भी चालू रख सकें, अन्य कार्यक्रम भी कर सकें और लोगों की जान माल की भी सुरक्षा कर सकें। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।